हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कॉर्न एंड मटर का कटलेट। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, मैंने पूरा फुल बाउल जो है कॉर्न नहीं लिया है, थोड़ा सा कम है ये। वैसे ही सेम क्वांटिटी मैंने मटर की ली है। ये आलू को मैंने बॉईल करके मैश करके रखा है। ये दो मीडियम साइज़ के आलू हैं। वैसे ही मैंने ये जो कॉर्न है उसको करीब 4 से 5 मिनट बॉईल करके इसमें थोड़ा सा नमक डाल के रखा हुआ है। हमको साथ में चाहिए इसके लिए ब्रेड क्रम्स चाहिए क्रिस्पी करने के लिए। ब्रेड क्रम्स जो है मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बनाना है। 1 टेबल स्पून हम लोगों को चाहिए करीब मैदा, स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद अनुसार जो है चिली पाउडर, वैसे ही स्वाद के अनुसार या ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। और इसमें 1/2 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। और थोड़ा सा चाहिए हमको इसको फ्राई करने के लिए पैन पे ऑयल, जो ऑलरेडी मैं गर्म करने रख चुकी हूँ। तो हम लोगों को करना है इस बाउल पे मैंने कॉर्न लिया, मटर, आलू, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और मिर्ची मैं कम खाती हूँ तो मैं कम मिर्ची ले रही हूँ। लेना इतना चीज लेना है हमको और इसको मिक्स करते जाना है। ये अच्छे से जो है मिक्स हो गया सारा चीज। याद रखना है इसमें हम लोग को कोई भी पानी जो है ऐड नहीं करना है, ये आलू से ही एक साथ ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ये मैदा लेना है। इसकी हम लोगों को थोड़ी गाढ़ी जो है गोल बनानी है ताकि इस कटलेट को उस पर डीप करके हम लोग फ्राई कर सके। तो ये करीब मैंने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून पानी, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको इतना गाढ़ा गोल करना है अपने को। अब मैं थोड़ा सा इसका मिक्सचर ले लेती हूँ। इसको ये थोड़ा सा मिक्सचर लेना है अपने को, और इसको आपको अगर सर्कल साइज में चाहिए, गोल चाहिए इसका साइज, तो गोल बना सकते हैं, या ओवल शेप में चाहिए तो आप वो इसको शेप दे सकते हैं। हमको इसको ज्यादा मोटी नहीं करनी है, देर तक फ्राई नहीं करना है इसे। देखिए वैसे मैं सारे बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ कटलेट्स बना के रख लिए हैं। अब इसको हमको इस पे मैदे पे डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स पे ड्रिप करना है ताकि क्रिस्पीनेस जो है वो ब्रेड क्रम से आएगा। अब इसको हमको, मैं ऑलरेडी पैन गरम कर चुकी हूँ, इसमें ऑयल जो है इसको डालते जाना है। दूसरा भी डाल लेते हैं। ये प्रोसेस हम सारे कटलेट्स के लिए रिपीट करेंगे। तो ये पैन पे डाल देंगे इसको। करीब हमको एक साइड जो है 3 से 4 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे। ये करीब 2 मिनट हो गए हैं, इसको हम लोग अब एक बार पलट के पकाएंगे 2 से 3 मिनट। इसको देखिए सारे पलट लिए, इसको भी करीब 2 से 3 मिनट तक हमको लो फ्लेम पे पकाना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है, ये पक चुका है। इसको हम लोग दूसरे बर्तन पे ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए सारे कटलेट्स मैं ट्रांसफर कर ली हूँ। इसका थोड़ा ऑयल जो है टिश्यू को ऑब्जर्व करने देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटलेट जो है रेडी है। इसको आप टमाटो सॉस के साथ या कोई चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है, प्लस ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।